किसका पसंद आया सबसे ज्यादा? बुमराह। बुमराह का आपको, आपका फेवरेट कौन था? बुमराह, विराट कोहली बेस्ट। क्या कहेंगे, 12 बजे रात में भी लोग घर से निकल कर आ गए हैं। बहुत अच्छा है, खुशी है, इंडिया जीता है। देखिए, इंडिया जीते की खुशी है कि लोग 12 बजे भी रात के सड़कों पर पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर, देखिए, कंधे पर लेकर बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन है, ये रांची की सड़कों पर, देखिए, राजधानी रांची की सड़क पर जिधर भी आपकी नजर जाएंगे सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। तो यही है, सबके हाथों में तिरंगा है, सब भारत माता की जय लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितने खुश हैं हम सर? देखिए, मैच तो हम सोचे थे कि इंडिया हार गया, मैच हम सोचे थे इंडिया हार गया, लेकिन सूर्या का कैच ने इंडिया को जिता दिया। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या? सैफ। सैफ, सैफ जी, लग रहा था कि फाइट है मैच। जी सर, लग रहा था कि फाइट है मैच। बहुत बहुत लग रहा था सर, हमको तो लगा कि क्लासे ने मैच पलट दिया, और हमको ये भी लगा कि इंडिया ये मैच धो चुकी। गुस्सा था, हमने आम खाया था। किसका पसंद आया सबसे ज्यादा? बुमराह। देखिए, बुमराह के आज प्रशंसक यहाँ पर ज्यादा है। विराट कोहली कैसा? विराट कोहली, आई लव यू विराट कोहली, आई लव यू विराट कोहली, आई लव यू इंडिया। देखिए, यही है, सबके अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी हैं, और ये अल्बर्ट एक्का चौक है, और यहीं पर देखिए हजार नहीं बल्कि 50,000 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये खासियत है राजधानी रांची की, माही के सह में लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे हैं। दूसरी बार ये कहे, एक लंबे समय के फिर से वर्ल्ड कप हाथ लगा, और इसको लोग गवाना नहीं चाहते हैं। इस खुशी में लोग घरों से निकलकर सड़क तक पहुंच चुके हैं। घंटों हो चुका है और लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको राजधानी रांची के चौक से दिखा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, आप भी जश्न मनाइए। बहुत सबसे अच्छा विराट कोहली का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो कि अपने समय कीमती समय पर लिए और इंडिया को जिताने में मजबूती दिए। आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली रहा है, और विराट कोहली का इस बार जो है सो बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है, और सभी खिलाड़ी बहुत ही शानदार कोहली होता है। तो ये आप रांची की सड़कों पर जश्न का माहौल देख रहे हैं, किस तरह से जश्न में डूबा है पूरा रांची, क्या पूरा देश जो है इस वक्त जश्न में डूबा हुआ है। एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि फिर से जो भारत है वो फाइनल हार जाएगा, लेकिन भारत ने वापसी की और वर्ल्ड कप को जीत लिया। 17 साल का सूखा भारत ने पूरा किया है, और आपको बता दें कि ICC ट्रॉफी जो है 11 साल बाद भारत को मिली है। इससे पहले 2013 में भारत ने ICC ट्रॉफी को जीता था, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि विराट कोहली का शायद ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप मैच था, और यहाँ तक बात करें राहुल द्रविड़ का भी ये आखिरी मैच हो सकता है कोच के रूप में। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो खुशी की लहर हर कहीं पर है, दीपावली जैसा माहौल पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। अभी इससे पहले 50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत, जिसके बाद पूरा देश निराश हो गया था। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हम मैच देखना छोड़ देंगे, और ऐसे में काफ़ी वो पल भी काफ़ी दुख भरा पल था सबके लिए, हम सभी के लिए। लेकिन आज उस पल को, आज जो T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, तो कहीं ना कहीं एक खुशी का जो पल दिया है भारतीय टीम ने, आज कहीं ना कहीं हम लोग को एक गर्व का अनुभव हुआ है, और आज पूरे देश को भारतीय टीम पर गर्व है, और सबसे बड़ी बात है कि तो देखिए, ये जश्न का माहौल राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकलकर जश्न मना।
ये एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर निकले हैं, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर उम्र के। क्या कहेंगे, कैसा रहा आज का मैच? आप देख रहे हैं कितना जोरदार जश्न लोग मना रहे हैं इंडिया के। आप आज पूरा देश खुशी में झूम उठा है। हमारा देश सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। आज जिस तरह से इंडिया ने एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।